दोनों तो सेम ही लग रहा है फोटोज देख के इसको डिस्प्ले में लग रहा है कि हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई होप भाई हमेशा की तरह आप लोग गर्दा उड़ा रहे हो। और आज गर्दा उड़ाने वाला वीडियो जो लेके आए हैं वो थोड़ा अलग है, क्योंकि बहुत कम फ़ोन्स होते हैं जो सिमिलर जैसे ही प्राइस पे लॉन्च होते हैं, बस थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है, सिर्फ प्रोसेसर का डिफरेंस। तो यही है V27 Pro और V27 के बीच। और हम लोग आपको दिखाने वाले हैं कि 5000 का जो ये डिफरेंस है, क्योंकि भाई प्रोसेसर ही आपका सब कुछ करता है। आज से 4-5 साल पहले अगर फ़ोन्स देखोगे तो उसमें प्रोसेसर वैसा नहीं होता था, इसी वजह से उसी कैमरा को आज के अगर फ़ोन में लगाया जाए तो काफ़ी ज़्यादा ऑप्टिमाइज रहता है। लोगों को बस यही देखना है कि V27 Pro और जो नॉर्मल V27 है दोनों में कितना ज्यादा डिफरेंस आता है इस 5000 के प्राइस डिफरेंस की वजह से। तो दोनों ही फोन में सेम IMX766V प्राइमरी कैमरा मिलता है सोनी का, सब कुछ सेम है प्राइमरी कैमरा में, बस डिफरेंस है आपका ISP का, जो प्रोसेसर ऑप्टिमाइज करती है वो डिफरेंस है। तो आप समझ सकते हो, आपको रिजल्ट देख के थोड़ा सा शॉकिंग लगेगा कि कितना डिफरेंस होता है। और ये जरूरी नहीं है कि भाई आपका अच्छा प्रोसेसर है तो हमेशा अच्छा करके ही देगा, वो भी रिजल्ट आपको आगे देखने पर पता चलेगा। तो अगर वाइड एंगल का फोटोज की बात करेंगे डे टाइम में, तो क्लियरली आपको एक चीज जो नोटिस करने को मिलेगा कि V27 Pro जो है शेडोज वाले पार्ट को ज्यादा अच्छे तरीके से हैंडल करता है, इवन स्काइज वगैरह को भी ज्यादा अच्छे तरीके से हैंडल करता है। पोर्ट्रेट शॉट्स में भी कॉन्ट्रास्ट ज्यादा रखता है V27 और 27 Pro जो है कॉन्ट्रास्ट कम रखता है, इवन कलर भी बूस्ट करता है काफी ज्यादा 27। वैसे न्यूट्रल कलर मोड दिया हुआ है, उसको आप ऑन ऑफ कर सकते हो, लेकिन डेफिनेटली हम यहाँ पे डे टाइम फोटोज के लिए V27 Pro को प्रीफर करेंगे। यहाँ पे देखो कितने ज्यादा कलर बूस्ट कर दिया है V27, और इवन जो शैडोज वाला पार्ट है ना वहाँ पे अगर आप जूम करते हो तो आपको क्लियरली दिखेगा कि थोड़ा सा ज्यादा बेहतर तरीके से शैडोज को हैंडल करता है। तो नॉर्मली तो ये सब सिचुएशन में हमको डे टाइम में जो है V27 Pro ज़्यादा बेहतर लगा, लेकिन जैसे जैसे हम लोग लो लाइट में बढ़ते चले गए वहाँ पे जो कॉन्ट्रास्टी फोटोज़ है वो ज़्यादा बेहतर रिजल्ट दे रहा था। यहाँ पे आप क्लियरली दिखेगा कि ज़्यादा बेहतर शार्पनेस है V27 में। तो भाई ये सरप्राइजिंग था कि क्योंकि भाई उस हिसाब से देखा जाता है लो लाइट में फोटो ज़्यादा स्ट्रगल करता है, यहाँ पे भी अगर आप जूम करोगे इस जगह पे तो आपको क्लियरली दिखेगा कि 27 जो है ज़्यादा अच्छा तरीके से हैंडल किया हुआ है एक्सपोजर वगैरह को। यहाँ पे भी शार्पनेस डिटेलिंग के मामले में ज़्यादा बेहतर तरीके से हैंडल किया है, यहाँ पे भी कॉन्ट्रास्ट की वजह से थोड़ा सा ज़्यादा भले ही कलर बूस्ट हो गया है लेकिन ज़्यादा अच्छे तरीके से नॉइज़ वगैरह हैंडल किया है। इवन इस फोटो में अगर आप देखोगे तो जूम करने के बाद हमको 27 जो है ज़्यादा शार्प लगा, तो भाई ये सरप्राइजिंग था। डे टाइम में तो बहुत अच्छा काम किया 27 Pro ने, लेकिन भाई लो लाइट में आने के बाद ऐसा स्ट्रगल कर रहा था, तो ये थोड़ा सरप्राइजिंग था। तो आप ये कह सकते हो कि 27 Pro डे टाइम में अच्छा काम करता है, 27 जो है लो लाइट में अच्छा काम करता है। तो अगर डिस्प्ले में हम ब्राइटनेस का बात करेंगे तो हमको थोड़ा सा ऐसा फील हुआ कि भाई हम लोग को V27 Pro जो है ज़्यादा ब्राइट फील हो रहा है डिस्प्ले में देख के, तो लग रहा है कैमरा में भी थोड़ा सा डिफरेंस लग रहा है व्यू फाइंडर में अगर देखेंगे तो। और शटर लैग देखते हैं, तो ऑलमोस्ट दोनों ही फ़ोन का शटर लैग सेम जैसा ही है। तो जैसे कि ये 27 है और इसमें हम जैसे ही पोर्ट्रेट मोड में जाते हैं तो ऊपर में दिखेगा ब्यूटी मोड हैज़ बीन ऑटोमेटिकली टर्नड ऑफ। ये प्रॉब्लम हम लोग को 27 Pro में नहीं है, ये हीट होने के बाद थोड़ा देर काम करता है उसके बाद बंद हो जाता है। तो 27 का ये मेजर एक ड्रॉबैक आप कह सकते हो। तो अगर पोर्ट्रेट शॉट्स का बात करेंगे तो यहाँ पे जो है 27 Pro 99% सिचुएशन में बेहतर काम करता है। पहली बात ये है कि भाई फोटोज तो ऐसा नॉर्मल लग रहा होगा, लेकिन आगे देखो आप, यहाँ पे 27 Pro जो है काम कर रहा है लेकिन 27 जो है काम करना बंद कर चुका है, क्योंकि भाई 27 Pro में ये चीज़ है कि वो ज़्यादा देर तक मतलब हीट को हैंडल कर पाता है, लेकिन 27 जो है हीट को ज़्यादा देर तक हैंडल नहीं कर पाता है। इसकी वजह से मैक्सिमम जो फोटोज़ हैं डे टाइम का भाई वो गायब हो चुका है। इवन जो आपका एज सिलेक्शन है वो भी थोड़ा सा हमको बेहतर लगा 27 Pro का, भाई V27 का तो खैर पूछ ही मत। मैक्सिमम फोटोज़ में आपको F16 चलाया रहा था, वो वीडियो हम आपको दिखा चुके हैं। इवन लो लाइट में भी यहाँ पे ऐसा लगा कि भाई डेट नॉर्मल शॉट्स में तो आपको दिखा होगा कि 27 लो लाइट में अच्छा काम किया था, लेकिन पोर्ट्रेट शॉट्स में हमको अच्छा काम करता हुआ नहीं दिखा। यहाँ पे प्रोसेसिंग और बेहतर हो सकता, तो कहीं ना कहीं ये बोलेंगे कि भाई पोर्ट्रेट शॉट्स में आपको मैक्सिमम फोटोज़ में 27 Pro जो है बहुत ही अच्छा एक्सपोजर वगैरह सारा कुछ हैंडल करता है। यहाँ पे देखो कितना ज़्यादा ओवर एक्सपोज कर चुका है 27, तो इसीलिए बोलेंगे कि भाई पोर्ट्रेट शॉट्स के लिए आपके लिए 27 Pro जो है वो बेस्ट है। अगर आपको वीवो या किसी भी ब्रांड का कोई फ़ोन परचेस करना है तो माई मोबाइल स्टोर है, वहाँ से आप ले सकते हो, या फिर ट्राइकॉन डिजिटल है,
बोरिंग रोड में, इन दोनों जगह से आप ले सकते हो। और नीचे हम कुछ प्रोडक्ट्स को भी टैग कर दे रहे हैं, वहाँ पे भी आप वो चेकआउट कर सकते हो। वैसे अल्ट्रावाइड दोनों ही 8 मेगापिक्सल का है, बहुत ज्यादा हाई क्वालिटी का अल्ट्रावाइड फोटोज आप इसमें नहीं निकाल सकते, लेकिन दोनों में फर्क भी देखना जरूरी है। तो अगर अल्ट्रावाइड का बात करें, क्योंकि दोनों में ही भाई 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रावाइड है, तो कहीं ना कहीं हमको 27 प्रो बहुत ज्यादा शार्प और बेहतर एक्सपोजर को हैंडल करता हुआ दिखा। यहीं पे देखो आपको पता चल जाएगा, मैक्सिमम जो अगेंस्ट द लाइट वाले फोटोज है उसी में पता चल जाएगा, बहुत ज्यादा बूस्ट करने के चक्कर में रहता है 27। इवन शार्पनेस वगैरह देखोगे आप रोड वगैरह का, तो वो एकदम खत्म हो चुका है। तो थोड़ा सा 27 प्रो जो है, ये नहीं बोलेगा 27 पर बहुत अच्छा फोटोज लेता है, 8 मेगापिक्सल के हिसाब से ओकेश है, लेकिन दोनों में साइड बाई साइड अगर कंपेयर करेंगे तो भाई कहीं ज्यादा शार्प बेहतर एक्सपोजर को हैंडल करने वाला काम करता है 27 प्रो जो है। और लो लाइट फोटोज में अगर जैसे जैसे बढ़ते हैं तो आप शार्पनेस देखो कितना ज्यादा खत्म होता जा रहा है। तो डेफिनेटली भाई यहाँ पे प्राइमरी कैमरा में हम लोगों ने देखा था कि भाई 27 जो है वो ज्यादा अच्छे तरीके से लो लाइट में हैंडल किया था, लेकिन यहाँ पे वो मजा नहीं आया। तो यहाँ पे डेफिनेटली हम प्रेफर करेंगे कि भाई डे टाइम हो या लो लाइट हो, 27 प्रो जो है मच मच बेटर जो है रिजल्ट देता है, कहीं ज्यादा शार्प, कहीं ज्यादा कम नॉइज और ओवरऑल फोटोज का क्वालिटी भी कहीं ज्यादा बेहतर। तो दोनों ही फोन का मैक्सिमम जो जूम लेवल है वो 10x पे ही है और 10x में फोटो लेते हैं। और सारे ही जूम वाले फोटोज में हम लोगों ने क्लियरली देखा कि भाई V27 Pro जो है बेटर वर्क करता है। तो इस मामले में डेफिनेटली बोलेंगे कि प्रोसेसर ज़्यादा बेहतर काम करता है, इवन मैक्रो शॉट्स में भी ज़्यादा शार्प, ज़्यादा डिटेल्ड जो है V27 Pro ही है। तो अगर फ्रंट कैमरा का बात करेंगे तो वो 50 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा है ऑटो फोकस के साथ, दोनों ही फ़ोन का फ्रंट कैमरा सेम ही है, तो इसमें देखा जाए कि कुछ फर्क पड़ता है या नहीं पड़ता है। तो अगर फ्रंट कैमरा का बात करेंगे तो दोनों ही फोन जो है ऑलमोस्ट सिमिलर जैसा, 90% सिमिलर जैसा ही रिजल्ट देगा, कोई भी खास फर्क हमको इसमें नहीं दिखा। 50 मेगापिक्सल का कैमरा में डिटेलिंग बहुत अच्छा है भाई, इसका जो डिटेलिंग है वो सारे फोटोज में आपको दिखेगा कि बेहतर है, कहीं ज्यादा बेहतर है। बस वही है कि 27 जो है थोड़ा सा सॉफ्ट ज्यादा करता है, लेकिन ओवरऑल सेम जैसा ही है। और सेम सिचुएशन वही है पोर्ट्रेट मोड में भी, इसमें भी जज करना बहुत मुश्किल है, लेकिन बस वही लगा कि शेडोज को अच्छे तरीके से थोड़ा हैंडल करने का कोशिश कर रहा है 27 प्रो। 27 जो है कॉन्ट्रास्ट ही ज़्यादा रखता है फोटोज, जैसा कि बाहर पहले भी फोटोज में देखे थे। एज सिलेक्शन वगैरह दोनों फोन का ही सिमिलर जैसा ही है, रिजल्ट सिमिलर जैसा ही है, बस थोड़ा सा 27 पर कभी कभी लगता है कि थोड़ा नेचुरल ज़्यादा देने का कोशिश कर रहा है। तो ओवरऑल हम यही बोलेंगे कि फ्रंट कैमरा में दोनों फोन ऑलमोस्ट सिमिलर जैसा ही है, लेकिन रियर कैमरा में बहुत ज़्यादा आपको मेजर डिफरेंसेस मिल जाता है। तो एक चीज फीचर जो है कम है V27 में, वो हम लोग का लॉन्ग एक्सपोजर मोड है, वो इसमें नहीं मिलता है। बाकी सारा फीचर्स ऑलमोस्ट सिमिलर जैसा मिल जाएगा। प्रो मोड में आपको सारा कुछ फीचर्स वगैरह, रॉ वगैरह सब कुछ का सपोर्ट मिल जाता है। तो एक दो फीचर कम किया गया है। दोनों ही फ़ोन गिरगिट की तरह रंग बदलते हुए, और तुम्हारा फ़ोन भी गिरगिट है पता है, काम तो करता नहीं आधा टाइम। क्या बोलना चाहती हो इस पर? दोनों तो सेम ही लग रहा है, फोटोज देख के इसको डिस्प्ले में लग रहा है कि 27 प्रो ज्यादा अच्छा है ना। धोखा हुआ ना तुम्हारे साथ? मेरे साथ स्कैम हुआ है। स्कैम हो गया, धोखा पगला बना दिया हमको। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। वैसे तो हम लोगों को Vivo V27 Pro जो है वो 4K 60fps तक रिकॉर्ड कर सकता है, लेकिन ये 4K 30fps पे हम रिकॉर्ड कर रहे हैं आपको इक्वली दिखाने के लिए। थोड़ा सा हमको कलर्स जो है अच्छा लगा यहाँ पे V27 का ही, लेकिन डायनेमिक रेंज देखो आप स्काई पे, अब ध्यान से देखोगे तो V27 Pro जो है ज़्यादा अच्छे तरीके से स्काई को हैंडल कर पा रहा है। ओवरऑल थोड़ा सा शार्पनेस डिटेलिंग के मामले में हमको V27 Pro जो है ज़्यादा अच्छा लगा। प्रो वेरियंट थोड़ा सा ज़्यादा अच्छे तरीके से हैंडल कर पाता है। 1080p 60fps का अगर बात करें तो यहाँ पे हमको स्टेबिलिटी के मामले में 27 ज़्यादा बेटर लगा प्रो वेरिएंट से। प्रो वेरिएंट का वही है कि डायनेमिक रेंज थोड़ा सा बेहतर है, लेकिन कलर्स वगैरह ज़्यादा अच्छा हमको 27 मॉडल का ही लगा है। थोड़ा सा उसका नॉइज लेवल कहीं कहीं पे ज़्यादा दिखता है, लेकिन ओवरऑल कलर्स वगैरह बहुत अच्छे से हैंडल करता है। यहाँ पे थोड़ा सरप्राइजिंग था कि ये प्रोसेसर जो है अच्छे तरीके से वीडियो में हैंडल कर पा रहा है, लेकिन स्काई में देखोगे अगर आप तो कलर्स ज़्यादा कहीं कहीं बूस्ट लगता है, लेकिन वो आई प्लीजिंग ही हम बोलेंगे। लेकिन यहाँ पे आप देखो तो क्लियरली आपको शेडोज वाले पार्ट में ज्यादा बेहतर डिटेल, इवन स्काई का जो डिटेल है वो ज्यादा बेहतर तरीके से 27 प्रो में मिलेगा, जो कि आपको 27 में उतने अच्छे तरीके से नहीं मिलेगा। लेकिन अगर 1080p 30fps का बात करें तो आप इसमें बहुत मुश्किल है कि ये बता पाना कि कौन सा फ़ोन बेहतर है। वही है कि 27 मॉडल जो है वो थोड़ा सा ब्राइट ज़्यादा करता है, 27 प्रो जो है थोड़ा सा कम। और कैमरा स्विचिंग 1080p 30fps में ही मिलेगा, 4K में कोई कैमरा स्विचिंग नहीं मिलता। अल्ट्रा वाइड सिर्फ और सिर्फ 1080p 30fps सपोर्ट करता है। यहाँ पे बहुत मेजर कलर शिफ्टिंग हमको नहीं दिखा, लेकिन हाँ प्रो वेरिएंट का हमको कलर्स वगैरह ज़्यादा बेटर लगा, शार्पनेस वगैरह ज़्यादा बेटर लगा। तो मतलब फोटोज़ और वीडियोज़ दोनों में ही अल्ट्रा वाइड जो है ज़्यादा बेहतर काम करता है। इवन कैमरा स्विच भी कर रहे थे
थे तो थोड़ा सा कलर शिफ्टिंग हमको कम लगा। एक इरिटेटिंग चीज़ वही है कि दोनों ही फ़ोन में आपको स्लाइडर है जिसके थ्रू आप जूम इन जूम आउट कर सकते हो, बहुत इरिटेटिंग चीज़ होता है। डायरेक्ट स्विच देना चाहिए था 1x 0.6x तो ज़्यादा ईजी हो जाता है कैमरा स्विच करना। ओवरऑल हम यही बोलेंगे कि 1080p 30fps में कोई भी मेजर हमको डिफरेंस वैसा कुछ नोटिस करने के लिए नहीं मिला डे टाइम में। तो अगर हम लोग कलर्स वगैरह बहुत सारा ऑप्शन भी दिया हुआ है जहाँ पे हम लोग तरह तरीके का फिल्टर्स यूज़ कर सकते हैं और दोनों फिल्टर्स भी हम एक बार यूज़ करके देखें तो ओवरऑल सिमिलर जैसा ही रिजल्ट मिला शार्पनेस डिटेलिंग सब कुछ के मामले में। तो अगर पोर्ट्रेट वीडियो की बात करें तो ये 1080p 24fps पे रिकॉर्ड करता है। दोनों ही फ़ोन में बहुत अच्छा क्वालिटी का पोर्ट्रेट वीडियो आता है, इसमें कोई डाउट नहीं है कि भाई दोनों ही फ़ोन बहुत अच्छे से हैंडल करता है। लेकिन भाई अगर देखोगे तो एज सिलेक्शन गड़बड़ होता है, खासकर चैलेंजिंग वाले सिचुएशन में, तो ऐसे सिचुएशन में बहुत मुश्किल हो जाता है। तो एक चीज़ लगा कि प्रो वेरिएंट जो है बहुत ज़्यादा ब्राइट कर रहा है, यहाँ पे नेचुरल हमको 27 का ज़्यादा लगा, वीडियो जो है आपको क्लियरली दिख रहा होगा, फेस कम ब्राइट कर रहा है। तो ओवरऑल हमको पोर्ट्रेट वीडियो के मामले में भी 27 ज़्यादा बेटर लगा, जैसा कि फ़ोटोज़ में काम नहीं कर पा रहा था। तो अगर आप स्लो मोशन रिकॉर्ड करते हो तो यहाँ पे 1080p 120fps का ऑप्शन है दोनों ही फ़ोन में, लेकिन क्वालिटी वाइज जो है V27 Pro कहीं ज़्यादा बेहतर काम करता है, कहीं ज़्यादा क्वालिटी आउटपुट, ये तो नहीं बोलेंगे कि बहुत अच्छा आउटपुट है, लेकिन भाई 27 से बेहतर है आउटपुट, तो यहाँ पे बहुत बड़ा फ़र्क पता चल जाता है। तो दोनों ही फ़ोन हम लोग को 4K 30fps तो रिकॉर्ड कर सकता है, वैसे 27 Pro जो है वो 4K 60fps तक रिकॉर्ड कर सकता है, लेकिन तुम तो 4K यूज़ करती नहीं होगी। और दोनों फ़ोन का ऑटो फोकस और ऑडियो भी अभी आप टेस्ट कर सकते हो कि कितना फ़र्क पड़ता है और कितना नहीं, क्योंकि माइक्स वगैरह सब कुछ सेम ही है। तो हमको फ्रंट कैमरा का स्टेबिलिटी जो है वो 27 का ज़्यादा बेटर लगा, इवन रियर कैमरा में भी हम ये चीज़ नोटिस किए कि स्टेबिलिटी जो है अभी भी 27 का ज़्यादा बेटर है प्रो वेरिएंट से, और ओवरऑल क्वालिटी दोनों का ऑलमोस्ट 4K में सेम जैसा ही है। तो हमको लो लाइट वीडियोस में भी कुछ वैसा मेजर डिफरेंस देखने को नहीं मिला, बस वही है कि 27 थोड़ा सा कॉन्ट्रास्टी वीडियो ज़्यादा रहता है, कैमरा स्विच आप यहाँ पे भी कर सकते हो और कॉन्ट्रास्ट की वजह से जो है ज़्यादा अच्छा आपको वीडियो दिखता है 27 का, नॉइज़ी ज़्यादा दिखता है 27 प्रो का। तो भाई ये एक प्लस पॉइंट भी है और एक नेगेटिव पॉइंट भी है बहुतों के लिए। तो भाई हम यही बोलेंगे कि अलग अलग सिचुएशन में फ़ोन अलग अलग रिजल्ट देने लगा है, तो फिर भी हम चूज़ करेंगे 27 प्रो को ही, क्योंकि ओवरऑल सारा चीज़ में क्वालिटी जो है आपको ज़्यादा बेहतर तरीके से मिलता है। तो डेफिनेटली वीडियो के मामले में तो ऑलमोस्ट 90% सिचुएशन में हमको ऐसा लगा कि दोनों ही फ़ोन बहुत अच्छा काम किया है, बहुत मेजर डिफरेंस कुछ वैसा ज़्यादा नोटिस करने को आपको नहीं मिलेगा। ओवरऑल वीडियो में ऑलमोस्ट सिमिलर जैसा ही रिजल्ट है, फोटो की तरह नहीं आपको कुछ मेजर डिफरेंस देखने को मिलेगा। तो भाई फाइनली हम लोग ये बोल सकते हैं कि भाई प्रोसेसर जो है ऑलमोस्ट सारा चीज़ हैंडल करता है, सेम सब कुछ, मतलब 99% सेम है सब कुछ, बस आपका प्रोसेसर दोनों ही फ़ोन में अलग है, तो आपको पता चल गया कि रिज़ल्ट कितना डिफरेंट आता है। कंपनीज़ भी वैसे ऑप्टिमाइज़ अलग तरीके से करती है, जानती है कि भाई अच्छा फ़ोन है तो भाई महंगा फ़ोन है तो उसको और अच्छे तरीके से ऑप्टिमाइज़ करना है, वो अलग बात है, लेकिन हाँ प्रोसेसर से ही आपका सब कुछ फ़र्क पड़ता है। अगर आपको प्राइमरी कैमरा सब कुछ अच्छा चाहिए, फ़ोटोज़ वगैरह अच्छा चाहिए, तो डेफिनेटली आप V27 Pro को प्रेफर कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको उतना फ़र्क नहीं पड़ता है तब आप V27 ले सकते हो। दोनों में कैमरा के मामले में डेफिनेटली डिफरेंस आपको मिल जाएगा। तो कैसा लगा ये वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।